ओम शांति। आज का हमारा टैबलेट फॉर हेल्दी रिकवरी है, हाउ टू गेट रिड ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। यदि हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी है, कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि इसका डेफिशिएंसी है, जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तब हमें पता चलता है, या कुछ सिम्टम्स जो हम रखते हैं अभी उसके बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। और इसका मेन कार्य है, ये कोएंजाइम को बनाता है एक, जिसके द्वारा जो शुगर्स और एमिनो एसिड को बनाने में बहुत योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका। और इससे इसका मेन कारण जो होता है, पॉलिश्ड राइस जब हम भोजन में बहुत ज़्यादा लेते हैं, या पॉलिश्ड राइस की वजह से काफ़ी हद तक ये बीमारी का प्रॉब्लम रहता है। विटामिन B2 नेक्स्ट विटामिन, जिसे राइबोफ्लाविन भी कहा जाता है, और ये प्रीकर्सर है दो एंजाइमेटिक कोफैक्टर्स का, जो कि फ्लेवोप्रोटीन्स, ये फैमिली जो एंजाइम्स की होता है उस फैमिली से बिलोंग करता है। थर्ड जो बात करते हैं, विटामिन B3, जिसे नियासिन कहा जाता है, और ये प्रीकर्सर होता है निकोटिनामाइड का। और महत्वपूर्ण चीज कि ये इम्पॉर्टेंट कोफैक्टर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो शरीर के अणु के रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, विटामिन B5, जिसे ही पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, और ये जो है महत्वपूर्ण योगदान है इनका, क्योंकि ये कोएंजाइम A का प्रिकर्सर होता है, और इसका मेन कार्य जो होता है वो शरीर में मेटाबॉलिज्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को मेटाबोलाइज करने में मददगार होता है। नेक्स्ट विटामिन B6, जिसे ही केमिकल फॉर्म में पैरिडॉक्सिन इस नाम से जाना जाता है। विटामिन B6 जो है, यदि किसी को इसका डेफिशिएंसी है, तो उसका महत्वपूर्ण सोर्स यदि हम सोचे कि किस प्रकार से हम भोजन में उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो पिस्ता, केला और पोटैटो अर्थात बटाटे, ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है विटामिन B6 के लिए। विटामिन B7, जिसे बायोटीन कहा जाता है, ये इसकी कमतरता की वजह से बालों का झड़ना, डर्मेटाइटिस, स्किन का प्रॉब्लम होना और नसों के कई सारे डिसफंक्शन, जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन कहा जाता है, वो ये विटामिन B7 अर्थात बायोटीन के शरीर में कम होने की वजह से होता है। तो यदि हम इसको अपने शरीर में परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो ग्रेन्स अर्थात के अनाज और भोजन में हम भाजियों का, सब्जियों का सेवन जरूर रखें, अधिक से अधिक मात्रा में करें। विटामिन B9, जिसे ही फॉलिक एसिड कहा जाता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, यदि आप कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई आपको जख्म है, चाहे बाहर शरीर पे या अंदर से कोई भी म्यूकोजल लेयर्स में, तो उसमें हीलिंग करने के लिए विटामिन B9 अर्थात फॉलिक एसिड का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म होता है, फॉलेट विटामिन B9 मीडिएट्स जो होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी होता है DNA के सिंथेसिस में, DNA बनाने में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं। और विटामिन B12, जिसे कोबलामाइन भी कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है, क्योंकि कई बार जो है काफ़ी सारी बीमारियां इससे रिलेटेड होती है विटामिन B12 से। अनीमिया अर्थात खून में रक्त की कमी होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज देखी जाती है। कई लोगों को थकान जल्दी महसूस होती है, या तो नींद बहुत आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती है, या क्रॉन्स डिजीज जैसे आंतड़ों की बीमारी होती है, या कई ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसमें हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और वो शरीर में बीमारियां बढ़ते जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है, बीमारियां जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से होती है। यदि हम एज अ वेजिटेरियन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो हम भोजन में
होल ग्रेन्स और होल सीरियल्स, होल ग्रेन्स जैसे हम कहते हैं पॉलिश्ड न हो ग्रेन्स, गेहूं चावल, गेहूं छान करके, गेहूं का जो आटा हम सेवन करते हैं कई बार आदत होती है उसे छान लेते हैं और ऊपर का जो हस्क होता है उसको फेंक देते हैं और जो एकदम बारीक वाला होगा उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान दें कि होल ग्रेन्स यूज करें, हम चावल भी पॉलिश्ड यूज करते हैं कई बार, मैदा जो है वो पॉलिश्ड से ही बनता है, तो इसलिए हम अवॉइड करें पॉलिश्ड चीज़ों को जितना हो सके, होल ग्रेन्स को, सीरियल्स को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने का प्रयत्न करें। और हरी भाजियाँ, साथ में शेंगदाने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी में अक्सर करके हम कहते हैं कि आप सुबह में उठते ही गुड़ और शेंगदाना, इसका लड्डू बना दीजिए, गुड़ शेंगदाने को मिक्स करके आप सेवन करिए, तो इससे भी कई हद तक आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाएगी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएगी। अगर आप फूड में इंटेक नहीं ले रहे हैं तो फिर बट ऑब्वियसली मेडिसिनल व्यू में जाना पड़ेगा, मेडिसिनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसको 5 दिन से कई बार 2 महीने तक ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भी विटामिन बी अगर होगा शरीर में या उसका सेवन कर रहे हैं दवाइयों के थ्रू, तो वो भी शरीर के लिए नुकसानकारक है, उससे भी कई सारे शरीर में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो हम ये ज़रूर ध्यान दें कि जितना भोजन में हम इस मात्रा को बढ़ा सकते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही में हम देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से आज व्यक्तियों में डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो वी सजेस्ट कि अपने साथ में ये भोजन के साथ साथ में हम कुछ और इमोशनल लेवल पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाए, और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम इमोशनल लेवल में या हमारे व्यवहारिक लेवल पे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें होगा बी हैप्पी, बी कंटेंटेड, खुश रहे, सुख का अनुभव करें, खुद खुश रहेंगे तभी हम अपने आसपास के वातावरण में ये खुशी फैला सकते हैं, सबको खुशियाँ बांट सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम खुद खुश रहे तभी हम खुशी बांट सकेंगे। बी कंटेंटेड, है ना, हम संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। लोगों से कई बार हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, खुद के साथ भी कभी कई सारी अपेक्षाएं रखते हैं, वो पूरी पूर्ण नहीं हो पाती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो हम कंटेंटेड रहे, सेटिस्फाइड रहे, महत्वाकांक्षी ज़रूर रहे, हमारे सामने टारगेट्स हो, हमारे टारगेट को प्राप्त करने के लिए 100% एफिशिएंसी दे, परंतु कंटेंटमेंट अर्थात सेटिस्फैक्शन के साथ में। डी अर्थात के डैशिंग, हम बहुत डैशिंग हो, जो भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में हम उसको फेस करने के लिए, सामना करने के लिए तत्पर हो और पूरी ताकत से, हमारे पूर्ण इमोशनल, फिजिकल और मेंटल ताकत से हम हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करें। और यदि हम देखते हैं, ये हमने देखा कि विटामिन बी को इमोशनली कैसे ठीक करें, तो हम कह रहे थे बी विटामिन बी, उसमें देखा कि विटामिन बी में हैप्पी रहना है, सी कंटेंटेड सेटिस्फाइड रहना है, डी डैशिंग रहना है, और ई स्टैंड्स फॉर एंथुजियास्टिक, हमेशा उत्साह में रहे। यदि हम उमंग उत्साह में रहेंगे तो हमारी कार्य करने की कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगी। और क्योंकि कार्य करने की कैपेबिलिटी बढ़ते रहेंगी तो हम भोजन भी बैलेंस्ड फॉर्म में, बैलेंस्ड डाइट में लेते रहेंगे और साथ ही में मन से भी, इमोशनली भी बैलेंस्ड होंगे, तो खुश भी रहेंगे और खुशी बांट भी सकेंगे। चंदन के लकड़ियां जिनके हाथ में होती है, फूल जिनके हाथ में होते हैं, वो जब दूसरों को भी बांटते हैं तो अक्सर करके वो सुगंध उनके हथेलियों पर भी रह जाती है। तो आइए हम ये सारी चीज़ें, सबको खुशियाँ बांटे, संतुष्टता बांटे, इमोशनली स्ट्रांग रहे और अपने जीवन को और हमारे आसपास के वातावरण को एक हैप्पी और हेल्दी वातावरण बनाए। ओम शांति।